कुछ जंगल ऐसे भी हैं जहां इन सब के अलावा अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। जंगलों के एक हिस्से में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो लोग कम ही जानते हैं। तो चलिए जानते हैं जंगलों से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य। दुनिया के 31% भूभाग पर जंगल है, जहां जंगली जीव जंतुओं के अलावा कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं। इसी के चलते सबसे पहले बात करते हैं मैरी कॉक्सी की। वैसे तो ये इंसान की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये एक भयानक और रहस्यमय प्रजाति है। इसे ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल B.H. फोसेट ने 1914 में दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में पहली बार देखा था। हालांकि इसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। फॉसेट बताते हैं कि इस खतरनाक जीव का कद करीब 12 फीट लंबा था, जो घने बालों से ढका था। देखने में ये बंदर की एक प्रजाति लगती थी, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इंसान को देखकर हाथ में तीर कमान लेकर खड़े हो जाना इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये कोई इंसान ही होगा, लेकिन शायद वो इंसान की दुनिया से अनजान था। फॉसेट अपनी किताब लॉस्ट सिटीज में इस जंगली इंसान का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो कितनी मुश्किल से इसका शिकार होते होते बचे, लेकिन एक दिन फॉसेट इस अजीबोगरीब इंसान की खोज में खुद रहस्यमय तरीके से 1925 में लापता हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्रिटिश खोजकर्ता मैरी कॉक्सी का शिकार हो गए। आज भी फॉसेट और मैरी कॉक्सी दोनों ही दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। फ्लैश ईटिंग पैरासाइट, ये जंगल से आई एक रहस्यमयी बीमारी है। 2011 में खोजकर्ताओं की टीम ने होंडुरस के ला मॉस्क्यूटिया के जंगलों में खोए ऐतिहासिक शहर सिटी ऑफ मंकी गॉड को खोज निकाला। ये एक तरह के वर्षा वन है। इस प्राचीन शहर में 1520 तक ऐसी सभ्यता के लोग निवास करते थे जिनकी एक अजीब बीमारी वाली महामारी से मौत हो गई। तभी से ये शहर दुनिया से बिल्कुल अनजान एक वीरान जंगल में अपने को फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस हरे भरे शहर को भगवान का श्राप लगा था, जिसकी वजह से यहाँ की सभ्यता अचानक से लुप्त हो गई। खोजकर्ता और जाने माने लेखक डगलस प्रेस्टन ने रिसर्च कर किताब लिखी, जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ द मंकी गॉड। इस शहर को खोजना अपने आप में हैरान करने वाली बात थी, लेकिन इसकी खोज से जुड़ी एक रहस्यमय घटना ने इसे और ज्यादा डरावना बना दिया। दरअसल रिसर्च टीम जब इस शहर की खोज के लिए निकली तो उन्होंने पौराणिक कथाओं में बताई गई इस बीमारी को महसूस किया। कहते हैं कि ये वही बीमारी थी जिसकी वजह से पूरे शहर का अस्तित्व मिट गया था। इस अनजान बीमारी की वजह से टीम के सभी लोग अपने शहर को धीरे धीरे खत्म होता महसूस करने लगे थे। डगलस इस अनोखी बीमारी के बारे में बताते हैं कि एक अजीब से परजीवी ने उनके होंठ और नाक की श्लेष्मा झिल्ली को खाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी नाक और होंठ धीरे धीरे खोखले हो रहे थे। बीमारी की वजह से सभी के चेहरे पर बड़ा सा छेद होने लगा था। इस श्रापित बीमारी की वजह से ही पूरी टीम को डॉक्टर के पास ले जाया गया। इस घटना के बाद किसी की भी इन जंगलों में जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। डगलस मानते हैं कि इस घने जंगल में और भी कई तरह के गहरे राज दफन हैं। सेंटिनल आइलैंड पीपल, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में से एक है। ये जंगल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें दक्षिण प्रहरी द्वीप यानी साउथ सेंटिनल आइलैंड भी शामिल है। ये सेंटिनलीज का घर है, जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते। ये लोग हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके साथ ही ये प्रजाति काफी मिस्टीरियस है। ये एक अनसुलझी जनजाति है। मान्यताओं के अनुसार ये जनजाति पिछले 60,000 साल से यहाँ के जंगलों में रह रही है। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई भी इनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाया है। बताते हैं जो भी इनसे घुलने मिलने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। ये प्रजाति किसी को भी अपने इलाके में भटकने तक नहीं देती। अगर कोई कोशिश करता भी है तो ये उसका नामो निशान मिटा देते हैं। समुदाय में 500 से भी कम लोग हैं, लेकिन शक्ति की बात करें तो ये शारीरिक तौर पर काफी मजबूत होते हैं। 2004 में आई सुनामी ने इस जनजाति के अस्तित्व को बदल कर रख दिया। सुनामी आने पर समुद्र के आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए और ना जाने कितनी जाने चली गईं, लेकिन इस समुदाय के लोगों ने अपने को सुरक्षित कर लिया। बताते हैं कि सुनामी की लहरों ने इस जनजाति के साथ एक और नया रहस्य जोड़ दिया।
हर कोई जानना चाहता है कि इस समुदाय ने कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखा, वो सुनामी के कहर से कैसे बच गए। इस बात की जानकारी जुटाने के लिए जब एक टीम हेलीकॉप्टर की मदद से इस समुदाय वाले इलाके में पहुंची, तो इस जनजाति के लोगों ने उन्हें भाला और चाकू दिखाकर भगाने की कोशिश की। ये अपने आप में एक भयानक अनुभव था। ऐसे में सब सोच में पड़ गए कि जहां भयानक सुनामी की चपेट से कोई भी अपने को नहीं बचा सका, ऐसे में इस जनजाति ने कैसे अपनी जान बचाई होगी। इसी वजह से हर कोई इस अजीबोगरीब जनजाति के बारे में जानना चाहता है। तो ये थे जंगलों से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्य, जिनके राज से पर्दा उठाने के लिए जान भी गंवानी पड़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।